कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर दौरे के पहले दिन कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल राजस्थान से एक दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी प्रियंका गांधी से मिलने आए थे, जिनके साथ कांग्रेस दफ्तर में कुछ लोगों ने मारपीट भी की और ये अभ्यर्थी राजस्थान में संविदा पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के विरोध में पहुंचे हुए थे। वहीं इन लोगों से मारपीट की खबर को कवरेज करने न्यूज स्टेट की टीम भी पहुंची थी, जिसको रोकने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न्यूज स्टेट के संवाददाता से धक्का मुक्की की और कैमरा बंद करने की भी कोशिश की, साथ ही हाथापाई की भी कोशिश की। या कवरेज को रोकने के लिए आप सिर्फ इकट्ठा हो जाएंगे तो ऐसे में आप कैसे कांग्रेस के प्रदेश ये जो तरीका कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, ये इस तरह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस में किस तरह से, ये देखिए किस तरह से मैनेजमेंट, किस तरह से धक्का। कांग्रेस की खोई जमीन को वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी इन दिनों लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया है और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर प्रियंका गांधी से हटने की अपील की है। फिर क्या हुआ वो इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हैं तो दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी ने पुलिसकर्मी को लिखित जवाब दिया है, जिसमें लिखा था कि कोविड तो पंचायत चुनाव के दौरान भी था। प्रियंका गांधी दो दिनों के यूपी दौरे पर है। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रियंका ने रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की भी कोशिश की। करीब 1.5 साल बाद फिर प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रियंका के दौरे से कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। प्रियंका ने एयरपोर्ट से लेकर गांधी प्रतिमा तक रोड शो भी किया। देखिए तमाम जो है उनके समर्थक जोश में हैं, स्वागत उनका लगातार जगह जगह जारी है और जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित है। प्रियंका को ये बात भली भांति पता है कि उनके कार्यकर्ताओं में उनको देखकर उत्साह जग जाता है। शायद चुनाव से पहले एक बार वही उत्साह कार्यकर्ताओं में भरने के लिए प्रियंका राजधानी लखनऊ पहुंची। प्रियंका के दौरे से प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू बहुत उत्साहित है। ये भीड़ देख रहे हैं, ये उत्साह देख रहे हैं, ये परिवर्तन की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। ये बस उनके स्वागत में उनके विश्वास के साथ विश्वास मिलाकर उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है, प्रियंका जी आगे बढ़ो, पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है। यूपी की सियासत में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस रसातल में जा रही है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली थी, कुल 6.3% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, कुल 6.4% वोट मिले थे। प्रियंका जैसे नेता के छोटे दौरों से कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए प्रियंका को लखनऊ में ही डेरा डालना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से हाशिए पर कांग्रेस रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और अब एक बार प्रियंका जब फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली है 2022 के चुनाव से पहले, तो ये देखना होगा कि उनका ये दौरा उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाता। लखनऊ से उड़ेल समित सिंह के साथ मृदुल शर्मा, न्यूज़ टेट उत्तर प्रदेश।